का कहीं सुहाना हो रखा है भाई साहब, एकदम बादल ऊपर दिख रहे हैं, कहीं पे काले कहीं पे व्हाइट। वर्ल्ड में जो मखाना होता है जो खाया जाता है ड्राई फ्रूट का, एक वो एक कैटेगरी आता है मखाना व्हाइट वाला, तो वो सिर्फ दरभंगा में ही पैदा होता है। ठीक है, सेंट और आदमी लेकर कौन जाएगा बट कोई बात नहीं, वो कन्फ्यूज के तरुण को फोन किया शिवम क्यों होता जय श्री राम, जय महाकाल। तो गाइज, टाइम अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 4:22, और अभी मैं हूँ खुरमपुर। फिलहाल मैं हूँ गाड़ी में शिवम बाबू के, दिख रहा हो अगर आपको तो, और मस्त हम लोग रेडी वेडी होके निकल रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो मस्त नया नया सब कुछ। तो हम जा रहे हैं दरभंगा घूमने के लिए, जहाँ पे दरभंगा की एक स्पेशलिटी है पूरे वर्ल्ड में, कह सकता हूँ मैं इंडिया का बात करते हैं, हाँ पूरे वर्ल्ड में जो मखाना होता है जो खाया जाता है ड्राई फ्रूट का, एक वो एक कैटेगरी आता है मखाना वाइट वाला, तो वो सिर्फ दरभंगा में ही पैदा होता है। ठीक है, मैं वहाँ से कई बार गुजरा हूँ, सिलीगुड़ी जाने टाइम भी, सिक्किम जाने टाइम भी, या फिर भूटान भी जा रहा था तो उधर ही से, बट मेरे को ये चीज़ पता नहीं था। आज पता चला कि वहाँ पे ये चीज़ होता है, तो मैं बोला चलो भाई मौका मिल रहा है, पता भी चल गया, एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं क्या जान पाते हैं क्या नहीं। और बाकी मज़ा बहुत आने वाला है, बारिश हो रही है एकदम तगड़ी, और एक बार मैं दिखा दूँ, बारिश तगड़े लेवल का हो रहा है, और आप दोनों बस दो ही लोग हैं इसीलिए छोटी गाड़ी ऑल्टो लिया गया है शिवम का ही है। तो मस्त बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं क्या हो सकता है, आप लोग को भी इंजॉय कराएंगे। जय जीन बाबा देख लीजिए, तो अभी हम लोग जीन बाबा को क्रॉस कर रहे हैं। अभी उधर गाड़ी रुकी हुई है, हम लोग पिपरा कोठी में जस्ट पहुंचे हुए हैं, शिवम जी भूंजा उजा खा रहे हैं, और मुझे चाउमीन खाना था और ऑमलेट, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। तो लो जी फाइनली टाइम जो अभी अपना हो रहा है 5:32, और अभी जो है ड्राइवर्स एक्सचेंज हो गए हैं, क्योंकि हम लोग रुके हुए थे पिपरा कोठी में, बहुत ज़ोर से भूख लगा था। जिनको पता है उनको पता है कि मुझे कितना इमीडिएट और फास्ट भूख लगता है, जब लगता है तो इमीडिएट कुछ चाहिए ही चाहिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और हमारे सामने सामने एक स्कॉर्पियो चल रही है जो कि एम्बुलेंस में तब्दील है। मुझे नहीं लग रहा कि स्कॉर्पियो को एम्बुलेंस बना के क्या फ़ायदा है, क्योंकि न स्पीड जा सकती है, न स्टेबल जाएगी, हिलते हिलाते जाएगी। ये है कि गाँव में है तो क्या पता किसी भी रोड से निकल जाए, ये सोच के बनाए हो, बाकी भगवान जाने। पेशेंट से पहले तो कोई और गाड़ी चली जाएगी, तो चलिए रिस्पेक्ट में ओवरटेक नहीं करेंगे। सही बात है, उसी के चक्कर में नहीं, वरना तो ये ऑल्टो तो ऐसे चीड़ के उसको निकल जाएगी, क्या जाएगी वो स्कॉर्पियो सिंगल 120 ले जाने में तो वो हो जाता, इतना पेशेंट और आदमी ले कौन जाएगा बट कोई बात नहीं। चलिए, मौसम बड़ा ही सुहाना हो रखा है भाई साहब, एकदम बादल ऊपर दिख रहे हैं, कहीं पे काले कहीं पे व्हाइट, और जब बारिश आएगी तो एक्सट्रीम मजा आएगा, और हमें जाना है आगे, आपको तो पता ही है कहाँ जाना है। चलिए अब बढ़ते हैं, ज़्यादा देर गाना बंद नहीं कर सकता हूँ मैं। अब टाइम है ज़रा सा फ्यूलिंग कराने का, इनको तो बोल दिया गया कि पेट्रोल फुल करिए, 36 लीटर का टैंक है जिसमें 2-3 डंडी है गाड़ी में, था ना पहले से, देखते हैं कितने का आ रहा है। 27-27 रुपये बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, बड़ा स्लो स्लो चल रहा है ना जी, यही चीज है एचपी में, यही कोई और पंप होता तो अब तक तो 2000 पार हो गया होता, एकदम भाई लिखित ले लो 2000 पार हो गया। इसीलिए मैं गुजरात आने जाने में जब लूँ तो एचपी से लूँ, तो रिलायंस दिख जाए तो भाई फुल खैर फुल क्या होता, 3-4 सौ में फुल हो जाए। चलिए फाइनल हो जा रहा है तो दिखा रहा हूँ, टाइम लगेगा फुल होने में, कब तक आप लोग वेट करिएगा। लीजिए, तो स्टॉप हो गया, अब ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसा कि सीएम ने बोला था 26-27, तो एग्जैक्ट 2600 ही हुआ, 2600 करके छोड़ दीजिएगा बस। चलिए मुंह पे बराबर रखिए, बंद कर दीजिए, तो देख लीजिए सामने एक स्कॉर्पियो है जो कहीं पर सटाया उठाया होगा, उसके मिरर्स का बैक साइड टूट गया है,
ये जो फीलिंग है ना, वो जो एक मीम्स नहीं आया था कि हम लड़कों के पास अकाउंट खाली, छः छः अकाउंट खाली, बट गाड़ी का टैंक फ्यूल फुल रहेगा, फ्यूल लेवल, वही चीज़ इसमें भी है। अभी रुकी जा रहा, स्टेरिंग मोड रहा है, स्टेबल हो रोड पर, मेरा फुल रहेगा मस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, द टाइम इज 5:41। ओ भाई, इसी में ये बाइक वाले बिना हेलमेट के इतना लहरिया मार रहे थे दोनों को दोनों। थोड़ा कैमरा खोलने में मुझे लेट हो गया क्योंकि बारिश आ रहा था और एक मेरा चूतिया दोस्त फोन कर दिया था, और कौन करेगा, संदीप गुप्ता। तो यही सब चीज़ें हैं, और आगे देख लीजिए मौसम एकदम मस्त हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी दूर पहले एकदम काला बादल था और अब थोड़ी देर में बारिश आ गया, थोड़ी देर आगे और कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ है गाड़ी से जाना, यही बाइक से हो पहले 10 लाख की बाइक होती तो भीजना तो पड़ता या रुकना पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं है। रुकने से होता क्या है, या नहीं रुकने से शूज़ के अंदर पानी चला जाता है, पूरा पैर नीचे खदड़ जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो दिखाओ मेरा भूटान वाला, मेरा पैर कट गया था आते आते, वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये एम्बुलेंस सही है, ये विंगर में है। क्या मौसम है, पहला प्लाजा आने वाला है, टोल प्लाजा। इनफैक्ट मुजफ्फरपुर तक तो एक ही यहाँ गाड़ी कहाँ पर आ रहा है। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम खुद कंफ्यूज हुआ कि क्या हुआ, हम समझ नहीं आया। हम पापा भी बराबर गाड़ी में बैठते हैं लोग, हाँ। तो मेरे साथ अभी कैसा भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ हो गया। अभी हुआ ऐसा था कि म्यूजिक सिस्टम में कनेक्टेड था शिवम का फोन, गाना बज रहा था इसके फोन से, संदीप मेरे पे फोन किया, गाना रुक गया, मेरे में भी दिखा रहा है, वॉच में भी दिखा रहा है, और यहाँ से उठा भी लिया, इसे लग रहा है इस पे फोन किया है और मुझे भी लग रहा है उस पे किया है। वो कन्फ्यूज के तरुण को फोन किया, शिवम क्यों बोल रहा है। तो पहले मैं समझा इस चीज को, फिर मैं बोला कि चलो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा चीज़ है। तो इसमें क्या है कि पहले से मेरा जो फोन है पेयर्ड होगा इसमें, तो इसीलिए ऑटोमेटिक जो है गाड़ी ले ली, इधर वाला खाली दिख रहा है। यही एक टोल है मुजफ्फरपुर से पहले, देखो मस्त, मतलब विद इन अ सेकेंड खुलेगा गेट, खुल जा भाई, क्यों बेइज्जती करा रहा है गेट ये। चलिए अब यहीं थोड़ी दूर में, बारिश साफ नहीं है एकदम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लीननेस देख रहे हो आप लोग, साइड साइड में एकदम पट्टी वट्टी लगा के। क्या, ना ना अभी कुछ नहीं खाना है, समोसा ये अच्छा खिलाता है। नहीं नहीं, अच्छा आ गया, ना ना भाई इतना खाया भाई, वो खाया क्या नाम है, माखन भोग, चाउमीन खाया, ऑमलेट खाया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया, अभी थोड़ा रेस्ट दो। इसका समोसा भी अच्छा है, बढ़िया बना दिया। अगर आप लोग जाएं तो गुजरे यहाँ से, अच्छा कुछ हेल्दीस्ट खाना है तो यहाँ रुके फ्यूल लेके। अपनी आरसी इसी पंप पे पहली बार गिरी थी, मतलब धीरे से ही गिर गए थे, एकदम हल्का सा गिर गया था। हाँ देख लीजिए NTPC, क्या मौसम हो रहा है ना, मतलब एकदम मजा आ रहा है, बारिश अंधेरा गाड़ी में है। अच्छा वो लेफ्ट साइड तो एक ही चीज वाला था, सॉरी गाइज। पता नहीं, मैं हमेशा आता हूँ और हमेशा यही चीज क्लियर करके आता हूँ, सुधा वाला है कौन। लेकिन हाँ वो तो लेफ्ट में है ना, ये कुछ होगा NTPC का कोई पावर प्लांट। अच्छा ये पावर प्लांट है, NTPC ज्यादातर पावर प्लांट ही बनाते हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जो भी हो भाई, मौसम देखो यार, फक ऑफ हो जो भी, मजा आ रहा है। अगर इसी तरह जाना हो ना, मतलब पूरे इंडिया घूमना हो, दिन ना हो रात रात, बस रात भी ना, वैसा ही सीन रहे शाम वाला, बारिश का एकदम बादल रहे, बारिश हो, मजा आ जाएगा भाई। अभी बगल से हयाबुसा भी जाएगी ना, तो वो भी हमें देख के जलते हुए जाएगी, कितने मजे से जा रहे हैं सब। चलो अब मुझे भी मजे लेने दो कुछ मौसम का। मुजफ्फरपुर से पहले जो लेफ्ट लेना था दरभंगा के लिए, और यहाँ पे दिखा है एक मुरादाबादी बिरयानी, वहीं खाएंगे। आइए, ये तो खाएगा नहीं लेकिन मैं खाऊंगा, हैदराबादी मिलेगा तो हैदराबाद नहीं खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक्स पी के निकल लेंगे।
चलो भाई बिरयानी हो गया, बिरयानी खा के मैं आ गया, ये तो खाया नहीं। अब गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बाकी पीछे पानी वानी सब रख लिया है हमने। क्या ढक्कन गिर गया क्या? ठीक है खत्म करो। जगह तो नहीं था, फुल बिरयानी खाया हम, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स उसमें भी कोको कोला जगह बना देगा, ऑटोमेटिक जगह ले लिया। तो ये चीज़ होती है भाई, जब आप अपने दोस्त के साथ निकलो, दो लोग खाते पीते जाओ, बढ़िया एंजॉय करते, मजा आता है। और बाकी इधर देखो मीटर में जब फ्यूल देखो फुल। वो भी चीज है। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम भी हो ही गया, पता नहीं कितना होगा, घड़ी में दिख नहीं रहा। अरे ऐसन मनोहर है। चलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली दरभंगा, जहां आने वाले थे। और ये रहा यहाँ का राधे राधे स्वीट्स, यहाँ से कुछ मिठाई उठाई लेना हुआ था। और ये नेशनल हाईवे, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ हो कहाँ नहीं, तो चलो मैं प्रूफ के लिए ज़रा सा जूम कर देता हूँ बोर्ड पे, देख लीजिए। मब्बी थाना दरभंगा। अरे यार दिख गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या करना है, हो सकेगा तो हम लोग नाइट में स्टे करेंगे और यहीं पर रुक के कुछ खाना होना हुआ अपना। फाइनली टाइम जो हो रहा है अभी 10 के अप्रॉक्स हो रहा है और अभी मैं आ गया हूँ घर। और घर आते ही देख लो क्या मस्त बारिश वारिश स्टार्ट है। अभी तो अभी गिर नहीं रहा है, मतलब धीरे धीरे गिर रहा है, बट बहुत जल्दी तेज आने वाला है। वहाँ दिख रहा हो तो पूरा फॉग फॉग हो रखा है बारिश के पानी का। और घर आया तो मुझे एक चीज़ दिखा, मैं जा रहा था वीडियो एंड ही करने, जैसे ख़त्म कर दूंगा, मैं बोला नहीं इस पर करूँगा। मेरे घर पर देख लीजिए 3.5 लाख रुपये का स्टैंड रखा है इन लोगों ने, किस लिए? कपड़े डालने के लिए, जैसे तौली, ये जीन्स, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग डाल रहे हैं। तो एक वो बात हो जाती है कि ऐसा एक दो स्टैंड और लेना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े तो ज़्यादा हैं, एक स्टैंड तो होगा नहीं। तो वही सोच रहा हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करो तो एक दो स्टैंड और ली जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट डालें और बेल आइकन दबा दें फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर, जय श्री राम, जय महाकाल।